वेल गाइस, कैसे हो? तो यार आज के इस वाले वीडियो में काफ़ी बड़े अपडेट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे एंड उसके साथ साथ कुछ बुरे अपडेट्स भी हैं। तो यार अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे वीडियो में इन फ्यूचर लाने वाला हूँ एंड और भी कई टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो लाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो फिर चलो आज के इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हंटर हंटर के बारे में। तो यार इसके राइटर ने मांगा को वापस से लिखना चालू कर दिया है। इसका मतलब यही है कि आने वाले कुछ सालों में हमें नया सीजन देखने को मिलेगा। तो यार ये काफी अच्छा चीज हुआ है। दूसरा अपडेट ब्लैक क्लोवर और बोरूटो से रिलेटेड है। तो यार एक प्रॉब्लम है, स्टूडियो पेरियड इतनी जल्दी हाई क्वालिटी एनिमे नहीं बना सकता जैसे कि JJK है। इसलिए यार बोरूटो और ब्लैक क्लोवर को लाने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब एनिमेशन क्वालिटी वो लोग देख रहे हैं, इसलिए डिले हो रहा है। तीसरा अपडेट का अगर बात किया जाए तो वो है ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर। तो यार दूसरे स्टूडियो में उसको स्विच कर दिया गया, यानी कि स्टूडियो पेरियोट में डीमन स्लेयर और JJK जैसे एनिमेशन के लिए। तो यार देखते हैं आगे क्या होता है ब्लीच के साथ। अगला अपडेट की ओर बढ़ते हैं ओशिनोको से रिलेटेड। तो यार 50 साल का आदमी था जो कि यार एक एम्प्लॉय पर अटैक कर दिया है ओशिनोको के मांगा स्पॉयलर्स के वजह से। तो यार असल में ये हुआ है कि यार जो एम्प्लॉय था उसने आगे क्या होगा मांगा में उस आदमी को बता दिया था, तब यार वो आदमी भाई उसका जान से मार डालता है। यार म्यूजिक एनीवेज अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट है वन पंच मैन के Season 3 से रिलेटेड। तो यार इसका नया की विजुअल आ चुका है, तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। तो यार जेनोस का एक नया पोस्टर भी निकल के आया है Season 3 से, तो काफी एक्साइटेड हो यार। एंड हाँ, OPM के Season 3 को लेके एक नया अनाउंसमेंट होने वाला है एनिमे एक्सपो पे जुलाई में, अभी कंफर्म नहीं। और दो ही अपडेट बचे हैं। तो यार यहाँ तक आ गए हो तो यार अभी का भी लाइक कर दो। तो यार ये अपडेट है वन पीस से। वन पीस फाइनली कोलैब कर रहा है रोबलॉक्स के साथ एंड इसको लेके यार कुछ एनिमे फैंस ऑफेंड भी हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट। सिर्फ एक हफ्ते के टाइम स्पैन के साथ कागुरावाची Chapter 1 अभी पूरे वर्ल्ड का Number 1 द मोस्ट व्यूड चैप्टर बन चुका है। तो हाँ आज का वीडियो यहीं तक था। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।